आज के बाद एक खरोच भी आई। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले शुक्रवार यानी कि 1 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल, जिसने सिनेमा घरों में इतिहास रच रखा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। और दोस्तों, फिल्म का जो 4th दिन, 5वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन और 10वां दिन, दोस्तों ये बॉलीवुड की तरफ से ऑल टाइम हाईएस्ट दिन रहे। यानी कि इन दिनों में कभी आज तक बॉलीवुड की कोई फिल्म इतनी बड़ी कमाई नहीं कर पाई जितना कि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद हैरानी होगी कि शाहरुख खान की जवान फिल्म ने भी अपने 2 एंड सैटरडे को यानी कि 9वें दिन इतनी कमाई नहीं की थी जितना कि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने की है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीदों से कई गुना ज्यादा ये फिल्म कमाई कर रही है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि फिल्म जवान का रिकॉर्ड नहीं टूट पाएगा, लेकिन दोस्तों एनिमल फिल्म ने जवान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, एनिमल फिल्म को सिनेमाघरों में आज 10वां दिन चल रहा है। 9 दिन ये फिल्म सिनेमाघरों में कंप्लीट कर चुकी है। और फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एनिमल फिल्म अपने पहले 9 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, और आज अपने 10वें दिन यानी कि अपने दूसरे संडे को ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है, फिल्म का 10 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप रणबीर कपूर को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं और आपको भी एनिमल फिल्म पसंद आई है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें फिल्म एनिमल की, तो इस फिल्म की हम जितनी तारीफें करें कम है, क्योंकि फैंस को इस फिल्म का बहुत ज़्यादा इंतजार था। और अब जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई, तो फिल्म को इतनी ज़्यादा तारीफें मिली, जो भी दर्शक इस फिल्म को थिएटर से देखकर निकल रहा था, वो फिल्म की तारीफें करते करते नहीं थक रहा था। क्रिटिक्स ने भी फिल्म को 4 स्टार दे दिए थे। और यही वजह होती है, जब एक अच्छी फिल्म आपके सामने होती है तो आप उस फिल्म को देखने से नहीं रोक पाते हो, और यही वजह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई कर रही है। आपको हम बताते चले कि एनिमल फिल्म, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसको डायरेक्ट किया था संदीप रेड्डी वांगा ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने। फिल्म में हमें रणबीर कपूर के साथ अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और इसके अलावा बॉबी देओल, तृप्ति डिमरी अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ रुपए का था, लेकिन एनिमल ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर जो परफॉर्म किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन हम आपको बताते चले कि एनिमल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक वो किया है जो आज तक बॉलीवुड में कोई नहीं कर पाया है। शाहरुख खान की जवान के नाम बॉलीवुड का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, 1160 करोड़ रुपए की कमाई इस फिल्म की। हालांकि इससे पहले दंगल आती है वर्ल्ड वाइड में, लेकिन दोस्तों, जवान एक ऐसी फिल्म है जिसने इंडिया के अंदर ज्यादा कमाई की, और दंगल फिल्म का जो कलेक्शन था वो ओवरसीज में ज्यादा था, तो इसीलिए जो जवान फिल्म है वो बॉलीवुड में पहले नंबर पर आती है। फिलहाल दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो एनिमल फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज हुई थी, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 63 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई पूरे इंडिया से नेट की थी। फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था अपने पहले दिन का, वो 116 करोड़ रुपए का रहा था। दूसरे दिन सैटरडे को फिल्म ने कमाए थे 67 करोड़ 27 लाख रुपए, और तीसरे दिन संडे को फिल्म का कलेक्शन रहा था 71 करोड़ 46 लाख रुपए। तो अपने पहले 3 दिनों के वीकेंड पर फिल्म एनिमल ने 201 करोड़ 53 लाख रुपए की कमाई इंडिया से नेट कर ली थी। वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था वो 356 करोड़ रुपए हो गया था। चौथे दिन मंडे को, दोस्तों ये चौथा दिन जो था मंडे का, वो एनिमल के नाम सबसे हाईएस्ट था। बॉलीवुड की कोई भी फिल्म, चाहे दंगल हो, जवान हो, पठान हो, अपने चौथे दिन मंडे को इतनी बड़ी कमाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि चौथे दिन जो जवान का था वो संडे था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है मंडे की, तो मंडे में एनिमल फिल्म ने 44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था पूरे इंडिया से। पांचवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 37 करोड़ 47 लाख रुपए का। छठवें दिन फिल्म ने कमाए थे 30 करोड़ 39 लाख रुपए। सातवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 24 करोड़ 13 लाख रुपए का। और आठवें दिन यानी कि अपने दूसरे फ्राइडे को फिल्म एनिमल ने कमाए थे 22 करोड़ 95 लाख रुपए। तो 8 दिनों में फिल्म एनिमल इंडिया के अंदर 360 करोड़ 53 लाख रुपए की कमाई नेट कर चुकी थी सभी भाषाओं में। वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 429 करोड़ 20 लाख रुपए हो गया था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 170 करोड़ 80 लाख रुपए, और कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म 600 करोड़ 63 लाख रुपए पूरे वर्ल्ड में कर चुकी थी अपने पहले 8 दिनों में। अब दोस्तों, आता है 9वां दिन। तो 9वां दिन था फिल्म का दूसरा सैटरडे, और मेरी उम्मीद थी कि कम से कम ये फिल्म 30 से 32 करोड़ रुपए अपने दूसरे सैटरडे को कमाएगी, लेकिन दोस्तों, उम्मीदों से कई गुना ज्यादा निकली है ये फिल्म, और 9वें दिन फिल्म ने कमाए 37 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 9वें दिन अपने दूसरे सैटरडे को फिल्म एनिमल की सिर्फ इंडिया से कमाई रही वो रही 37 करोड़ रुपए की। शाहरुख खान की फिल्म जवान भी अपने दूसरे सैटरडे को इतनी कमाई नहीं कर पाई थी। तो फिल्म की 9 दिनों की कमाई 398 करोड़ रुपए, जी हाँ दोस्तों, 398 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से नेट हो गई है। वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में
655 करोड़ रुपए अपने 9 दिनों में कर चुकी है। अब आता है 10वां दिन यानी कि आज का दिन। फिल्म का आज दूसरा संडे है। तो दोस्तों आज ये फिल्म पूरे इंडिया से लगभग 42 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है और फिल्म का 10 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 440 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो जाएगा। तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में 715 करोड़ रुपए कर जाएगी। और दोस्तों फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर आपने फिल्म एनिमल देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।